स्कूल जाने के लिए रेडी हो? एकदम ललन टाप रेडी हो? चुप कर जा लड़का। आ गया पट्टी में ऊपर, बार बार टीवी को देख रहे, बार बार खा रहे, साथ में टीवी देख रहे। मतलब बच्चे तो बच्चे, बच्चों के अब्बा भी यही जाना, कार्टून देख देख के बड़े होंगे। देखो सर, अरे आपको अपने मास्टर साहब के डंडे याद आ गए? यकीन करें बाहर इतनी गर्मी है, अभी 14 तबक रोशन हो गए। क्यों नन्हे मियाँ, रोशन हो गए ना 14 तबक? तो काफी दिनों से उनका कमेंट नहीं आ रहा था, मगर कल जब उनका कमेंट आया तो उन्होंने बड़ी दिल दहला देने वाली बात की कि भाई उनके वालिद की जो है ना वो डेथ हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है, अच्छा, और बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम है, ठीक है। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। मुस्तफा का बड़ा दिल था भाई स्कूल जाने का, नई किताबें इस्तेमाल करने का, नए जूते पहनने का। बेचारा बीमार हुआ था, आज जो है ना बेचारा सही हुआ है, तो हम उनको स्कूल भेजकर उनकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, ठीक है। तो जागे हमें मोहम्मद मुस्तफा, अभी करेगी छुट्टी क्योंकि उसकी बॉडी में इतना जान नहीं ऐसे हुई है। तो गाइस अभी जो है ना हम लोग अभी को छुट्टी कराएंगे, मुस्तफा को भेजेंगे। मुस्तफा के जज्बात जानते हैं भाई, क्या जज्बात है इनके, तो बताओ जी। सलाम सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम जी। तो क्या हाल चाल है? स्कूल जाने के लिए रेडी हो? एकदम ललन टॉप रेडी हो? तो गाइस ये ललन टॉप पता है कहाँ से आया? इनके कार्टून देखते हैं ना, उसके अंदर वो बोलते हैं ललन टॉप, मतलब कि हम बिल्कुल फिट फाइन है। तो अभी जो है ना मुंह हाथ धो के बैठे, वुजू किया था तुमने? वुजू किया था तो जल्दी से जाके तुम बिड़ू नमाज पढ़ो। और मैं गाइस इनके कपड़े इस्त्री करती हूँ क्योंकि रात मेरी तबीयत ऑफ चल रही थी। A few moments later. तो गाइज मैंने मुस्तफा को जो है कपड़े वगैरह प्रेस करके दे दिए, मैं इसकी पानी की बोतल भर लूँ। और ये देखो चमत्कार हो गया, मेरे घर में आ गया ये पंप, बड़ा काम का पंप है। जिनके घर बोतलें हैं ना उनके लिए तो बहुत ही काम का पंप है ये। देखो जब ये नहीं था मुझे पता चल गई इसकी वैल्यू के, भैया क्या वैल्यू है, आप लोग यकीन करो। इतना बंदा खुआर हो 10 बोतल से डालने के चक्कर में। और कूलर की आजकल क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, दो दफ़ा कूलर मंगवाया मैंने मगर स्मेल आती है बीच में से प्लास्टिक की। मतलब दो दिन अगर पानी रहे ना बीच में तो स्मेल आने लग जाती है। डेली डेली कूलर कौन धोता है? तो ये बहुत मुझे अच्छी जो है ना एक प्रोडक्ट लगी है। ये देखिए पानी भर लिया आप लोगों ने एकदम ज़बरदस्त। तो अब जो है ना हम लोग आ गया पढ़ाकू बच्चा, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पढ़ाकू बच्चे नाश्ता क्या करना है तुमने? इंसानों वाले काम बोलना मुझे, मैं कर भी लूँ। अच्छा तो गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये वाली नस्ले की बोतल जो है ना इनको क्यों दे रहे हो आप? तो भाई ये बोतल इसलिए दे रहे हैं हम इनको, डिस्पोजेबल बोतल, क्योंकि बहुत सी बोतलें ला के मैंने अपनी औलाद को दी हैं। अच्छा नहीं मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने इनको बहुत सी बॉटल्स ला कर दी हैं, मगर ये लोग क्या करते हैं कि बॉटल्स या तो तोड़ देते हैं, या इनको पसंद नहीं आती, या वो बीच की स्ट्रॉ जो होती है वो इनसे घूम जाती है, या बोतल ही जो है ना वो एक दिन स्कूल पड़ी होती है, अगले दिन मैं बोलती हूँ बोतल का है तो कहते हैं वो तो उस क्लास में रहेगी, मतलब एक दिन आने में एक दिन जाने में लगता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ बस डिस्पोजेबल पकड़ो और वहीं पर इस्तेमाल करो, वहीं पर ख़त्म करो। बोतल लेकर आना, वैसे मैं बता रही हूँ तो अगले दिन बगैर उसके जाओगे। देखो बैठ के पी रहे तो भी मुझे जल्दी से बता दो क्या नाश्ते में खाना तुम्हें। मैं तो कहती हूँ दाल चावल खाओ रात को जो बनाए, ज़बरदस्त। माँ की तबीयत का ख्याल करो बदतमीज आदमी, खुद नहीं बना रहा था, अभी शेफ गिरी करने का टाइम नहीं है। दाल चावल देती हूँ गर्म करके, वो खाओ मेरा बेटा मेरे साथ, अपने हाथों से तुम्हारी माँ तुम्हें खिलाती है। क्या कहते हो? ये देखे चिब्बा मुंह लेके बैठा हुआ, ये देखे कर दूं गर्म। अबे साले देख लो कितना बदतमीज बच्चा मेरा। यकीन करो गाइस तबीयत आज मेरी वैसे ही ऑफ चल रही है, उसके ऊपर से जाना इनके नखरे। अभी चाय बिस्किट खाऊंगा तो कस्टर्ड खाऊंगा, तो भाई हिसाब का तो बोल जो मैं बरा लूँ। मैं कहती हूँ माइक्रोवेव में तो वो गर्म करके देती हूँ। वैसे भी मैंने आज इनके स्कूल जाना है क्योंकि इनकी मैंने कॉपी करनी है, वो तस्वीरें खींच के लानी है काम की, जितना भी काम हुआ है। देखो माओ के लिए कितना काम होता है, खैर माओ के लिए अब्बा के लिए बहुत काम होता है। चुप कर जा लड़का। तो गाइस करते हैं आप लोगों से बाद में बात, आप लोग जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इससे पहले मेरे नन्हे मियां उड़ जाओ और मेरी बैंड बजा दो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। हाँ आपके सब्सक्राइब करने से हो सकता है ना जाके उन्होंने दाम निकाल रहा हंस रहा है, कोटू हंस रहा है, कोटू कुछ ना कुछ बैंड बजाएगा मेरी। मेरा नन्ना लपंटर जाना उठ गया है। अरे माँ सदके सदके कैसे हंस हंस के मुझे बता रहे हैं। ये देखो अभी थोड़ी देर तक इसने बाजा बजाना, इसने कहना अम्मा किसी को कुछ ना भेज, कोई काम ना कर आके बैठ जाते हैं। मेरा सोना माँ सदके सदके है, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को तुम लोगों की शक्लें निकली हैं, बातचीत कर रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे लपंटरू है। क्या जाग गया तुम इधर आ जाओ रिश्मिना। तो गाइस इसकी तबीयत जब ख़राब थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मुझे आज आप लोगों को स्टोरी भी बताऊंगी कि क्या सीन बना था हमारे साथ, इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताऊंगी। पहले बच्चों को स्कूल गलती कर रहा हूँ, ये मोहतरमा भी जाग गई है, जाना है स्कूल तुमने? शाबाश बेटा। यहाँ पे तक वीरू लैन साहब उठ गए और भाई के साथ फुल मस्तियाँ कर रहे हैं, भाई जान अगर माशाल्लाह से आपने नमाज़ पढ़ ली है तो उठा लें जा नमाज। और बताओ कि मैं दाल चावल ले आऊँ? तो चलो भैया हमारे बेटे को जो है हम पर रहने आ गया, तो उठ कर हम दाल चावल गर्म करके लाते हैं इनके लिए, आज जो है ना तबीयत हमारी ऑफ चल रही है।
तो हम इनके लिए दाल चावल लेकर आते हैं। यार यकीन करो, राजा जी का मूड ना बदले भाई, राजा जी का मूड ना बदले। और हम जो है ना, यकीन करो गाइस, किचन में इतना गंद मचा है। उफ, अगर आप लोगों को मैं बता दूं तो आप लोगों ने बोलना है कि क्या हाल हुआ है किचन में। सो जब मन हजरात किचन में घुसते वैसे कुछ हाल होता है। वैसे भी आज बर्तन बहुत जमे हुए हैं। अरे नहीं भाई, इसको लेकर जाओ तो रात के जो है ना अपन चावल डालेंगे। ये देखो चावल हम लोग डाल लेते हैं मुस्तफ़ा और जो है ना तकदीर ने दोनों के लिए। चलो जी खाना तैयार है, उठ जाओ। ये देखो जरा एक्टिंग चेक करो उस लड़के की। कूलर लगा गया, कूलर के आगे पड़ा हुआ। उठ जाओ जल्दी से, ज़्यादा ही गर्म हो गया। उठ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, उठो उठो, मैं तुम लोगों को खाना खिलाऊँ। उठो, ये दो, ये मुझे दे दो, दे दो ना। मतलब ऐसी चीज़ों में तो मेरे बच्चे का बहुत हाथ होता है गाइस। इसको ज़रा बंद करो, क्या हो गया, क्यों तुम लोगों ने मेरे ऊपर बिजली का बिल फड़वाना है। सो गाइस मुस्तफ़ा साहब रेडी हो गए और उनके अब्बा जान भी आज जाग गए इत्तफाकन। और नन्हे मियाँ तुमने भी जाना है साथ। वो देखें, वो उनके अब्बा जान के पाँव में लिपटेगा कि मुझे भी लेकर जाओ। तो आप लोग देख लें, जिनके नन्हे बच्चे होते हैं उनको पता होगा, क्योंकि जब भी बाहर जाने लगा ना तो बच्चे खास कर लपट जाते हैं अपने माँ बाप के साथ। तो मैं ज़रा ये गदियाँ वदियाँ उठा लूँ जो इन्होंने कबाड़ किया हुआ है, इसको भी साथ साथ समेट लूँ। ठीक है गाइस, और ये कमरा ज़रा सेट हो जाएगा। मतलब 10 दफ़ा चीज़ें समेटो ना आप, तो 10 दफ़ा आपकी माशाल्लाह से औलाद जो है ना वो बिखेर देती है। पर खैर, किस्मत वाले घर होते हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो इस तरह गंद फैलाते हैं, तो इस चक्कर में आप लोग बच्चों से नाराज़ ना हो कि भाई आपने ऐसे किया। हाँ बस काम तो करना पड़ता है। इस कमरे का पंखा लाइट ऑफ करो, क्योंकि कराची का क्या, पाकिस्तान का ओवरऑल बिल बहुत ज़्यादा। जितनी बिजली बचाओ उतना बेहतर। इस कमरे में मैंने जो है ना सूरत लगाई थी और अभी आप फार्मा सो गई। तो आप इनको छोड़ें और प्लीज आते हुए पापे ले आना। ये देखो अपने अब्बा के पाँव में लिपटा हुआ, ले जाए इसको भी, ले जाएंगे। वो इतना मूड में, देखें जरा पकड़ के पाँव खड़ा हो गया। लास्ट के नन्ने से दिल मत तोड़ो लड़की, ले जाओ ना यार। मैंने अपनी चाय जो है ना वो रेडी कर ली, साथ में हमारे पापे जो है ना, पापे रस, क्या आप लोग बोलते हैं, हम तो कभी पापे बोल लेते हैं कभी रस बोल लेते हैं, ठीक है। तो वो लेकर आ गए ब्लासम। अभी मैं लोगों को नाश्ता दे देती हूँ, ये आज का नाश्ता है, ठीक है। तो दाल चावल भी पड़े हुए, जिसको अगर हैवी नाश्ता करना है दाल चावल खा लो। ले भाई, ये फिर से सो गए यार, ये बंदा बॉस होता है, यकीन करो आप फिर से सो गए। हेलो, गर्मा गर्म चाय बनाई है मैंने, सुनते हैं क्या। नन्हे मियाँ अपने अब्बा को उठाओ यार। हेलो, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ तो नहीं ना बैठना आपने, उठे। थैंक यू नहीं करें, उठे। और अभिया को भी उठाएं, अभिया ने अगर खाना है तो वो कह रही थी मुझे भूख लगी, कहती है मैं रात को रो रही थी, मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं सोई भी थी, कहती है मैं रो रही थी मुझे भूख लगी थी। अभिया चाय पापे खाने हैं बेटा, ओ मेरी बमफट, उठ जा मेरा बेटा, उठ जा। तो वैसे नींद में जीव जीव से मुंह बनाती हूँ, नहीं ना उसको भूख लगी थी, उठ मेरा बेटा। तो आ जाओ गाइस, हम भी खाते हैं इससे पहले ख़त्म हो जाए। आप कुछ नहीं हो रहा, पलंग पे बैठ के खा रहे हो। हेलो, देख लें बस अपने मतलब के लिए जो काम हो ना सही होता है। वैसे मुझे कहते हैं पलंग पे बैठने का, नीचे आ जाओ लड़के, आ जाओ आ जाओ। अभी आप भी क्या सो रही है, और चलो भैया आप और मैं खा लेते हैं, उसके लिए बचा देते हैं। भैया नहीं खाना तुमने, पक्की बात है, नीचे क्यों बैठे हो। चलो तुम यहाँ कोने में आ जाओ, मैं खिला देती हूँ तुम्हें, आ जाओ। सो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एंड तक वीडियो देखा करो, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कर दो। देखो ये बंदा कैसे देख रहा, कार्टून देख देख के खा रहा है। देखो साफ लगाओ, ये एज में कार्टून देख देख के हम रस खा रहे हैं। देखो ऐसे यूँ आगे पट्टी भी ऊपर, बार बार टीवी को देख रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, साथ में टीवी देख रहे हैं। मतलब बच्चे तो बच्चे, बच्चों के अब्बा भी यही जाना कार्टून देख देख के बड़े हुए। देखो सर है नहीं, देखो देखो देखो, ध्यान तो चला जाता। देखो मैंने बड़ा ऐसे चुपके चुपके इनको कैमरे की आंख में कैप्चर किया कि देखिए तो मैं फौरन इनको पकड़ लूँ, ठीक है। और यहाँ पे नन्हे मियाँ के लगा, हाँ आपके लिए तो लगा भाई, लाइक करो लाइक। ये देखो लाइक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप खाओ आप खाओ आप खाओ। सो गाइस आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है कि रस खा लो, ठीक है। कैसी चाय बनी है जरा बता दो। आज माशाल्लाह चाय आपने बहुत अच्छी बनाई है, मजा आया। A few moments later. सो गाइस अभी हम मुस्तफा के स्कूल जा रहे हैं, 11 बज चुके हैं, और अभी हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुस्तफा का जो काम इनकम्प्लीट है ना, उसको जाके मैंने फोटो खींच के लेकर आनी है, उसको कम्प्लीट करवाना है। और इससे मैंने सब्जी वगैरह भी कुछ लेनी है, पकाना क्या आज मैं जल्दी लूँगी, रबिया साहब को आज मैंने जल्दी उठा ली। मेरी तरफ से सबको सलाम अलैकुम, डोली है मम्मी। चलो भाई चलते हैं हम लोग जल्दी से, इससे पहले कि छुट्टी हो जाए, तो मुझे बच्चे की कॉपियाँ ना मिले, तो चलो जल्दी।
2000 years later. So guys, Bilal साहब को बचपन की याद आ गई है, ये खड़े में रहेंगे, बच्चे सारे स्कूल में छुट्टी होगी और बच्चे जा रहे हैं और अभी हम आप भी याद है? नहीं, मैं पढ़ पढ़ के थक गई हूँ, अब मुझे याद नहीं आती। क्यों? बस हो गया क्या, मुझे इतनी पुरानी यादें नहीं आती, बस बहुत इतना कुछ नहीं लगा। आज ठीक है, स्कूल में हम लोगों ने बहुत टाइम गुजारा है। हां, बहुत टाइम गुजारा। आपको अपने मास्टर साहब के डंडे याद आ गए? अच्छा, तू साडी कहनी थाने मास्टर साहब के डंडे याद है, तेरे टीचर ने डंडे पहनते नहीं? हमें नहीं पढ़ते थे, हमारा स्कूल ऐसा था वहां पे अलाउ ही नहीं था बच्चों को कूदना, बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। तो गाइस अभी हम लोग जो है ना मोहम्मद मुस्तफा का वेट कर रहे हैं, उसको लेकर जाएंगे। यकीन करो आज इतनी गर्मी है ना, कोई हाल हिसाब नहीं है, मगर हम लोग खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं। तो मैं भी इसी चक्कर में, ठीक है मुस्तफा के ऊपर, ठीक है मैंने कहा पैदल, ये बेचारा लूस गया है गर्मी के अंदर, ये लूस गया। मुस्तफा साहब पैदल ना ही आए तो अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, देखना मुस्तफा निकल जाए। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, वो निकल गया। बाकी बच्चे बहुत खुश है, बच्चे खुश है, छुट्टियों के छुट्टी में खुश है सारे बच्चे। गर्मी में कितनी छुट्टियां तुम लोगों को? दो महीने भाई, अल्लाह उसकी दुआ देगा, बड़ा अच्छे के लिए। खुश है ना, नानी के घर जाएगा ना, घूमने फिरने जाओगे? बच्चे खुश हैं, घूमने फिरने जाएंगे, हम लोग लेके जाएंगे घूमने फिरने। तो कहाँ पे है भाई? तुम लोग ले चलोगे सीवीओ पे ले चलोगे, ठीक है काफी है। नहीं, हम पंजाब जाओगे, पंजाब वाला लाने नहीं दे रहा तुम लोग का, भाई नहीं आने दे रहा। गाइस निकल आया हमारा लौंडा, हम तो समझे तुम निकल गए हो। हैं, आज धूप है, गर्मी है, आ जाओ इधर। पैदल आ रहे थे? हैं, वो घर में मुझे बोल के आया था कि मैं पैदल नहीं जाऊंगा, अब्बा को भेज देना। ये देख बिछड़े लो जी, बिछड़े में मोहब्बत नहीं हो गया, चल भाग यहाँ से। कह रहा पैदल ही जाए, पैदल जाऊँ उस वक्त, पैदल आऊँ भाई, गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत है भाई अपने में हम लोग। सो गाइस वेलकम बैक होम, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर तो जी सोता पार्टी लगी हुई है, वो देखिए वो सोई हुई है भैया बाजी। अभिया बाजी उठ जाओ जी, 12 बज गए गाइस, अभी 1 बजने वाला है, और अभिया बाजी की नींद नहीं खुल रही है। शायद आज हमारी नींद खुल गई है, तो हम चाह रहे हैं कि सबकी खुल जाए। यकीन करें बाहर इतनी गर्मी है, अभी 14 तबक रोशन हो गए। क्यों नन्हे मियाँ, रोशन हो गए ना 14 तबक? तुम सुनाओ, यहाँ पे बैग नहीं रखना आले दुआले, फौरन से जाके पेटी पे बैग रखो, उसके बाद कपड़े चेंज करके फिर रिलैक्स करना, समझ रहे हो? बस यकीन करो सांस निकल गया, टन कोई हाल नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर। तो आप लोग बताओ, आप लोगों के एरिया में गर्मी है? पंजाब से हो तब भी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कराची से हो तो फिर तो है ही है गर्मी। A few moments later. अलानी बिस्मिल्लाह करें, खाना खाएं और अल्लाह हाफिज हो जाए, ठीक है? तो गाइज अक्सर मेरे गाइज ये पूछते हैं कि बिलाल पे घर पे ज्यादा होते हैं, काम पे क्यों नहीं जाते? तो गाइज मेरा थोड़ा काम ऐसा है, मैं ज्यादा जो काम होता है ठीक है मोबाइल के ऊपर ही कर लेता हूँ, बाकी कुछ काम के लिए मुझे खुद जाना पड़ता है, ये सीन है। चलो जी ये सीन है, ये ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है। तो गाइज आप लोगों से एक और बात मैंने करी थी, मेरे एक सब्सक्राइबर है, हाँ मेरे एक सब्सक्राइबर है तानी रियाज के नाम से उनका चैनल है, उनका अक्सर कॉमेंट मुझे आता रहता है ना, तो काफ़ी दिनों से उनका कमेंट नहीं आ रहा था, मगर कल जब उनका कमेंट आया तो उन्होंने बड़ी दिल दहला देने वाली बात की कि भाई उनके वालिद की जो है ना वो डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उनको जो है ना उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी मफ़रत फरमाए, मगर पीछे क्या रीज़न है कि भाई कराची के अंदर उनसे कुछ लुटेरे वगैरह पता नहीं फ़ोन स्नैचिंग कर रहे थे, क्या उन्होंने किडनैप करके उनके वालिद को तो उनको मार दिया, ठीक है? तो उनको जो है ना मतलब पता नहीं था, 4-5 दिनों से वो लोग ढूंढ रहे हैं, फिर एडी वालों ने जो है ना उनकी शिनाख्त हुई है उनके वालिद की, तो कितना अजीब सा और कितना मतलब दिल दहला देने वाला ये मतलब सिचुएशन होती है कि मतलब आप घर से निकलते हो और आपके वापसी का कोई पता नहीं होता। अल्लाह ताला सबके जो है ना वो वालदैन को, हस्बैंड्स को, माओं को, बहनों को, भाइयों को, सबको जो जो भी है ना अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखें, मतलब थोड़ी सी रकम की खातिर, थोड़े से मोबाइल की खातिर आप जो है ना दूसरे की जान ले लो। जान लेने का हक किसने आपको दिया भले है? तो आप लोगों के प्यारे जब भी घर से बाहर निकले ना, आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ के, 3 कुल पढ़ के, उनके ऊपर फूंक के अल्लाह ताला की हिफ्ज़ मान में दे दो, बस अल्लाह ताला जो है ना उनको खुद ही उनकी हिफाजत करें, क्या शैतान मरदूद से, क्या जो है ना बुरी बलाओं से, क्या चोरों डकैतों से। बस ये लोग ये नहीं सोचते कि अपना जो है ना 4 पैसों के लिए अपनी आखिरत तो बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे का घर भी तबाह कर रहे हो तुम। क्यों जी, तुमने तो मटर पनीर पे कंसंट्रेट किया है, हद है यार। आपकी बात सुन रहा था तो मुझे दिल से बहुत अफसोस हुआ। Few minutes later. तो गाइस यहाँ पे तैयारियां व्यारियां हो रही हैं, हैं? क्या कहते हो? जैकेट पहन लिए पुन्ने? हेलमेट सड़ा टूटा हुआ कहाँ गया आपका? तो जैकेट नहीं है, इसे बाइकिया अपर कहते हैं। ये बताया है आपने पिछले ब्लॉग में, बाइकिया अपर पहने होते हैं, बाइक पे जाने के लिए अच्छा होता है, सेफ होता है, गंदी मिट्टी नहीं लगती। 2000 years later. So guys, welcome back हो गया आप लोगों का, और अभी हमारा भी ये भिंडी काटते हुए और मुस्तफा साहब का वेलकम हो गया। किताबें जी, किताबें करते हुए पढ़ाकू बच्चे। तो सुबह सुबह मैं जो जाके इनकी तस्वीरें खींच के लाई हूँ ना वो काम की, तो जल्दी से शाबाश काम कम्प्लीट करो। इधर इधर बाबू जी, कितनी देर में हो जाएगा कम्प्लीट, जरा मुझे बताओ ना। हाँ तो 1 घंटे में सारा काम कर लो, तो फिर रात को बैठ के ना हम लोग आराम सुकून से मूवी देखेंगे क्योंकि एनिमेटेड। जल्दी सोनी है, जल्दी सोना है, जल्दी सोनी है। तो गाइस इसकी भी जबान जो है ना वो फिसल रही है, तो नहीं अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, अच्छा अच्छा काम कर लोगे, तो फिर अपन जो है ना रात के टाइम एनिमेटेड को कार्टून मूवी देख के सोएंगे, क्या कहते हो? एनिमेटेड सही है, ठीक है।
नहीं अड्डी भी तू मेरे तो मेहरबानी ना ना कर, अगर नहीं देखना तो इट्स ओके, ना तो ना सही, मैं अपना ड्रामा देख लूंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखा गाइस ये नखरे दिखा रहे, अब्बा जान पे गए हैं सारे, ठीक है तो बिलाल साहब भी गए हुए अभी काम के ऊपर, वो आएंगे वापस, तो हम जो है ना ये भिंडी शिंडी काट के बना ले आप लोगों को। वैसे मैं ना ऐसे मास्टर शेफ्स की तरह दिखा नहीं सकती क्योंकि अपन का काम नहीं है कहीं पर ट्राइपॉड स्टैंड फिक्स करके ऐसे काम करने का, तो अभी जो है ना अपन भिंडी काट रहे हैं, देख लें आप लोग। तो गाइस कमेंट में बताओ किस किस को भिंडी पसंद है, इस लड़के को तो पसंद है ना भिंडी वाला, इसको पसंद है गाइस। तो अभी जो है ना थोड़ी सी भिंडियां सुबह लेकर आई थी वो मैं काट रही हूँ, जल्दी जल्दी काटते हैं किचन में, और इस लड़के को हम काम पे लगाया हमने, कर लो इंग्लिश का कर लो, मगर करना ऐसे कि लगे कि आपने जो है ना राइटिंग प्रो के लिखी हुई है, ठीक है हैं, एक एक लफ्ज मोतियों की तरह परोया हुआ है, सही है, नहीं तो मैं आपको परो दूंगी चित्रों के साथ, ठीक है ना। मैं क्या कह रही हूँ, चित्रों के साथ मैंने इसको परो देना गाइस, ठीक है ना, क्योंकि माओं की सख्ती ज्यादा जरूरी होती है कभी कभी जो है ना, समझ रहे हैं आप लोग, वरना औलाद जो है ना सर पे ताता थैया करती है ना, तोले जान लग जाती है सर पे चढ़ के। तो चलो गाइस जल्दी से मैंने अपना हांडी बनाने का काम करूँगा, घर पे जो है ना खाने शाने बनाने का मैंने किया हुआ इंतजाम, नहीं तो फिर बिलासा बोलेंगे घर पे नहीं बनाया, और रात को 10 बजे जो है ना गैस बंद हो रही थी, और 10 बजे से पहले आप लोगों को ब्लॉग भी देना है और हांडी का भी काम करना, तो जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं, और आप लोग भी हाथ चलाओ और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक भी कर देना, ठीक है कर दो ना। अच्छा हमको सिखा रहा है। सो गाइस वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे किचन के अंदर, तो आज हम बनाने वाले हैं करारी सी भिंडियां। तो भिंडियां बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इसकी लेस मारनी पड़ती है, और लेस कैसे आपने खत्म करनी है, सबसे पहले एक पॉट में गर्म करो तेल, और उसके अंदर गर्म होने के बाद आप लोग भिंडियां ऐसे ऐड कर दो, इसको करेंगे हम अच्छे से फ्राई, फ्राई करना चाहिए होगा कि इसकी लेस जो है ना खत्म हो जाए। अब होता है बचपन में भिंडियाँ नहीं खाती क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना ऐसे लेस ले सकती हूँ, तो मुझे भिंडियाँ अच्छी नहीं लगती, ये देखो। हाँ जी क्या कर रहे हैं आप, ये दे दें मुझे, दे दें ढक्कन, दे दें, थैंक यू, और जाएं। तो गाइस इसको मैंने अंदर LED लगा के दी दिया, पोएम लगा के दी दिया, मगर ना ये हमारे पीछे पीछे हैं, ये कहते हैं अम्मा जो काम करेगी ना वो हमें सिखाएगी, आप बैठ जाएं यहाँ पे, देखिए शाबाश, देखिए जरा इनको यहाँ पे बार बार बिठा के देना पड़ेगा, पता माँ जहाँ पे काम करेंगी मामा पीछे पीछे आ जाएंगे लोग जी। फरमाएं बड़े मियाँ का भी ना दिल है उसके पास, आप करके भाई अम्मा पास बैठ गया, बस इनको माँ पास चाहिए, काम ना करूँ मैं, देखें आप लोग ये इनके हाल है। आज यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं मज़ेदार सी भिंडियाँ, ये लें फ्राई हो रहे हैं, साथ में प्याज भी काट के रख दी हूँ, ये प्याज इसमें ज़्यादा डालो मज़ेदार खिला रही, और मैं तो इसमें ना थोड़ी सी इमली भी ऐड कर देती, इमली ऐड करने से तो खटास आई थी, बड़ा मज़े का होता है, ज़रा मिर्च से थोड़ी सी टेस्ट करते हैं, बीच में करारी सी होती थी, सबको मज़े की लगती है। गाइस हांडी भी हमारी नेड़े लग गई, और ये प्याज है क्या है, पहलवान प्याज है, मतलब गन्ने का नाम नहीं ले रहे, क्या मसला है इसको, देखो ज़रा कूट कूट के पीट पीट के मैं थक गई हूँ, देखो इस तरीके से इतने बड़े बड़े प्याज हैं, ये सारा ऑनलाइन जो है ना आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े बारूदी प्याज, तो खैर कोई बात नहीं, हम भी गला ही लेंगे बार बार पानी डाल डाल के, और यहाँ पर जो है ना मैंने ये इसका हाँ अच्छी राइटिंग करके लाया, वाह 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 माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत प्यारा कर रहे हो, आगे भी काम करो शाबाश। खटाई वाला पानी बीच में डाल देंगे, ज़रा ये अच्छा से घूम जाए, और इसके अंदर जो है ना पानी लैदा हो जाए, वो पानी कह रही हूँ तेल लैदा हो जाए, क्या जबान से पोए दिया, तो हम ना इसको क्या करेंगे अच्छी तरह से इसी पानी में ये गल जाएगा प्याज टमाटर, और फिर हम इसके अंदर जो है ना जब ये तेल छोड़ देगा तो फिर हम इसके अंदर भिंडी डाल के इसको गला लेंगे, और यकीन करो ये जो है ना पानी से मुँह धोना ये वेंटिलेशन का काम करता है गाइस, इतनी का गर्मी है मतलब दिन में तारे नजर आ गए, ऐसे ऐसा हाल हुआ, यकीन करें आप लोग, तो वैसे कमरों में इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से आप लोग जो है ना चूल्हे के पास खड़े हो तो वाह 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 तबाही की गर्मी, ठीक है तो ये हाल चाल यहाँ पे चल रही है, अभी मेरी बर्दाश्त जवाब देगी, अभी हम लोग जाके ज़रा अंदर बैठते हैं पंखे की हवा में, और ऐसे ही चक्करों में ना हम लेडीज़ का बेड़ा गर्क हुए थे, मुँह धो के आओ ठंडे पानी से, और उसके बाद जो है ना आके पंखे में बैठो तो अगले दिन बुखार हुआ होगा। लोग गाइस भिंडियाँ हो गई हमारी रेडी एकदम ज़बरदस्त और मस्त, तो चलो आज का ब्लॉग भी करते हैं एंड, और अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसको कर देना लाइक, और चैनल पर नए होना अगर तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, बेल का आइकन भी प्रेस करना, फिर मुलाकात होगी कल किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, गुड बाय।